फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं अब्दुल रहमान। आज मालेगांव कारपोरेशन की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें कुसुम्बा रोड, गणेश नगर, नया इस्लामपुरा, सर्वे नंबर 55 और दीगर इलाकों में मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से छापामारी की गई। ये छापामारी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर थी। तकरीबन 12 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए, जिनमें से 4 जगहों पर प्लास्टिक कैरी बैग बरामद हुई है और इन 4 दुकानदारों से 20,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा किरकोल फेरी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई है और उनसे तकरीबन 4,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस तरीके से कुल मिलाकर 24,000 रुपए का जुर्माना और 30 से 35 किलो सिंगल यूज कैरी बैग जब्त की गई। वाज़े रहे कि सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें प्लास्टिक से बनी हुई 19 अशिया को शामिल किया गया है, जिनमें मुख्तलिफ अशिया की पैकिंग की जाने वाली प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक के झंडे, ग्लास, मिठाइयाँ और दीगर अशिया को रैपिंग करने वाली महीन बिल्कुल बारीक प्लास्टिक फिल्म, थर्माकोल वगैरह शामिल है। 50 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन के बीच प्लास्टिक की अशिया से बनने वाली ये चीजें एक ही बार में इस्तेमाल में आती हैं, जिसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। जहां एक तरफ ये प्लास्टिक कैरी बैग पानी को जमीन में जाने से रोकती है, जिसकी वजह से जमीन का वाटर लेवल कम होता है, वहीं जलाए जाने पर इससे मुख्तलिफ गैस और केमिकल निकलते हैं, जो न सिर्फ फजाई आलूदगी का सबब बनते हैं बल्कि सेहत के लिए भी मुजीर होते हैं और मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों को दावत देते हैं, जिसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी शामिल है। हिंदुस्तान में रोजाना 26,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक के जरिए कचरा पैदा होता है, जिसमें से 60% प्लास्टिक महफूज हाथों में जाती है और 40% प्लास्टिक गटरों, नालों, तालाबों और समुद्रों का हिस्सा बनती है। हिंदुस्तान 2.4 लाख टन सालाना प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। अगर औसतन देखा जाए तो फी नफर यानी के फी आदमी रोजाना 18 ग्राम प्लास्टिक और तकरीबन सालाना 11 किलो प्लास्टिक अपने हिस्से में जमा करता है, पैदा करता है, इस्तेमाल करता है। समंदर में प्लास्टिक के जरिए कचरा फैलाने वालों में हमारा मुल्क हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है। तकरीबन 94 ममालिक ने इन प्लास्टिक से बनने वाली अशिया पर मुकम्मल पाबंदी की है, जिनमें 32 ममालिक ऐसे हैं जहां पर उन मुल्कों के कानून के मुताबिक सजा भी तय की गई है। हिंदुस्तान में अगर आपके घर से प्लास्टिक कैरी बैग बरामद होता है तो 500 रुपए तक का दंड यानी कि जुर्माना वसूल किया जा सकता है, जबकि दुकानदारों से 5,000 तक का जुर्माना और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपए और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करता है और मकामी नगर निगम या कारपोरेशन को जुर्माना वसूल करने का इख्तियार है। बहरकैफ इस तरह की प्लास्टिक जो है वो पॉल्यूशन पैदा करती है, माहौल को खराब करती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की जिंदगियों को भी खतरा लाहक है, साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। गटरों में बेतहाशा इस तरह की प्लास्टिक फंस जाती है, जिससे ओवरफ्लो होता है, सड़क पर और घरों पर पानी घुसने की, पानी जाने तक की नौबत आ जाती है। अगर आप अपना शहर साफ सुथरा रखना चाहते हो, अगर आप अपना इलाका साफ सुथरा रखना चाहते हो तो इस तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें। आज जो कार्रवाई मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से की गई, इनमें कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ साथ मुख्तलिफ
मुलाजमीन भी शामिल थे, जिनमें पाटिल साहब, ईसा बेग, सनत देवरे, संजू सेजवाड़, आकाश चौहान और गौतम मगरे के नाम शामिल हैं। देखते रहिए मानो समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।